सीधी में जमोड़ी चौकी अंतर्गत एक बच्चे की अपहरण की कहानी झूठी निकली। एडिशनल एसपी अंजुला पटेल ने बताया कि बच्चे के परीक्षा में कम अंक आए थे, जिसके चलते वह घर से भाग गया था। उसने खुद अपनी अपहरण की कहानी बनाई थी। सीधी में एमपीबी कॉलोनी गेट के सामने से 15 वर्षीय बच्चे आर्यन के अपहरण की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जो कि झूठी निकली। बच्चे ने पुलिस को बताया कि वह परिजनों की डांट से नाराज होकर सुबह 7 बजे साइकिल से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला और अपने अपहरण की झूठी कहानी तैयार कर एक ट्रक में सवार होकर मोरवा क्षेत्र में पहुंच गया था। वहां आने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपहरण की झूठी कहानी के साथ एक युवक की मदद लेकर मोरवा थाना पहुंच गया। वहां पुलिस को बताया कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बहाने बच्चा चोर गिरोह के सदस्यों द्वारा उसका अपहरण चाकू की नोक पर किया गया था। अपहरण कर गिरोह के सदस्य उसे मिनी ट्रक में डालकर मोरवा ले गए थे। मोरवा में कुछ समय के लिए ट्रक रुका तो वह मिनी ट्रक से कूद कर भाग खड़ा हुआ, लेकिन बाद में जब सच्चाई सामने आई तो बच्चे ने अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। की खबर आज सुबह सोशल मीडिया पे चल रही थी कि उसका अपहरण हुआ था कोई दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा, जो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आए थे ऐसा उन्होंने बताया, और फिर वो उसे जबरदस्ती ट्रक में लोड करके सिगरौली ले गए। फिर वो किसी तरीके से वहाँ से भाग के निकला। तो ये घटना पहले उसने हमको बताई थी, जैसा कि एक फ़ोन कॉल के द्वारा हमें पता चला था, पर जब हम वहाँ मुरैना मोरवा में उसे लेने गए तो जब लौट रहे थे, फिर उसको खाना वाना खिलाने के बाद, प्यार से पूछने के बाद, उसने ये बताया कि मैं पेपर जो मेरा ख़राब हो गया था उसकी वजह से मैं डर गया था और ये डर के मैं भाग गया था एक ट्रक में छिप के, जिससे कि हमें पता चला कि जो उसने पहले बताई थी घटना वो सही नहीं थी, असलियत हमें पता तब चली जब उसने हमें बताई। एक जमोड़ी थाना के तहत एक घटनाक्रम घटित हुआ था, जिसमें पेरेंट्स के द्वारा 63 का मुकदमा इसमें पंजीबद्ध कराया गया था। बच्चे जब वापस आ गया तो उसे हिकमत अमली से और बहुत प्यार से उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उसने, चूंकि प्रारंभ में वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, तो पूछताछ करने पर उसके द्वारा यह बताया गया कि वह जो है परीक्षा परिणाम के भय की दृष्टि से तो उसके कुछ पेपर्स बिगड़ गए थे, इसलिए वो घर से चला गया था। और बाद में वो जो है इस प्रकार से पुनः कभी गलती नहीं करूंगा, इस बात को लेकर के बताया भी है, और जब वापस सकुशल घर वापस आ गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।